खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां वन चौकी भावसा क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पेड़ों की कटाई की जा रही है और वन विभाग जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। बता दें कि भावसा के प्लांटेशन को देखने 2011 में वन मंत्री सरताज सिंह ने इस प्लांटेशन का जायजा लिया था। इस प्लांट में आंवला और बांस थे, लेकिन भावसा चौकी के बी 437 के वन रक्षक की लापरवाही से यह प्लांट पिछले कई महीनों से कट रहे हैं। समाज सेवी जितेंद्र रावत तोला ने बताया कि जंगल की कटाई की शिकायत कई अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भावसा के करीब तकरीब 437 कंपार्टमेंट में कई समय से तकरीबन 200 की संख्या में कुछ आदिवासी हैं राठिए समाज के, तो कई बार उस जगह पे प्लांटेशन है उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वो झुंड में आके वो काटने का उन्होंने कई बार बीच बीच में प्रयास किया है। रिसेंटली भी उन्होंने किया था, उनके प्रयास को विफल तो किया गया है, बट उसमें तकरीबन छोटे बड़े छोटे ही झाड़ हैं जो जितने भी प्लांटेशन है पुराना, तो उसमें तकरीबन 30-35 पेड़ जो कटे हुए हैं और उन पर POR भी दर्ज किया गया है, केस भी दर्ज किया गया है उस पर, और अभी इनको कोर्ट चालान करके गिरफ्तार करके अभी जेल भी भेजा जाएगा।